सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था, सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काक्सर, बटालिक सेक्टर, चोरबाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था, प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। Joshi on the radio said, after the another bunker was captured, the my company's success kind of was, ye dil mange more. Chale aadhi chale, tufaan uthe, badhta hi rahe, tu ruke nahi, jab tak hai palak, jab tak hai zami, mera dil ye kahe, kabhi jhuke nahi. Bas yehi lehraye tiranga.
अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको। पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं, आइए मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।